गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द ब्रेव वॉरियर ऑफ छत्तीसगढ़। द ब्रेव मतलब बहादुर, वॉरियर मतलब योद्धा, ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का बहादुर योद्धा वीर नारायण सिंह के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। गीता और मोहन दो भाई बहन हैं जो रायपुर में अपने चाचा जी के घर शादी अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। वे अपने कज़न रमेश के साथ रायपुर के लोकल मार्केट में घूमने के लिए गए हुए हैं और वे देखते हैं कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में मोहन जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या घटना घटी है। वह देखता है कि लोगों के हाथों में फ्लावर गार्लैंड्स रीथ मतलब पुष्पांजलि लिए हुए हैं और महान व्यक्ति की प्रशंसा में स्लोगन बोल रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा है और बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का महान मार्टिर वीर नारायण सिंह का 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था और उन्हीं को लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लोग इस महान व्यक्ति को गार्लैंड्स रेत और फ्लावर से विभूषित कर रहे थे। लोग इस अवसर पर उनके लिए उत्साह से एक गाना गा रहे हैं। द हल्दी घाटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज द सॉइल ऑफ सोना खान, इंडिया सैक्रेट पिलग्रिम इज द लैंड ऑफ सोना खान। नारायण फाउट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, ही क्लैश्ड विद द ब्रिटिशर्स एंड वॉक्ड द पाथ ऑफ सैक्रीफाइस, वेलकमिंग डेथ विद अ स्माइलिंग फेस एंड वॉज ब्लेस्ड विद गॉड्स ग्रेस। That is the spring of worthy son, the soil of सोना खान। मतलब है सोना खान का लैंड छत्तीसगढ़ के हल्दी घाटी कहा जाता है। भारत के धार्मिक तीर्थयात्री सोना खान के लैंड पर रहते हैं। नारायण उत्पीड़ित और अन्यायी लोग के लिए लड़ाई लड़े। वे उनके सहयोग के लिए ब्रिटिशर्स से लड़े और त्याग के रास्ता को अपनाए। वे मृत्यु को भी हंसते हुए अपनाए। ऐसे महान वीर योद्धा वीर नारायण सिंह को जैसे और भी बहादुर योद्धाओं को लोग ब्लेस करते हैं और साथ में भगवान भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे थे हमारे वीर नारायण सिंह।